जी हमारे पास आई है PTCL चार्जी, मुकम्मल अनलॉक स्टॉक आ चुका है। मैंने कल भी ग्रुप के अंदर तो पोस्ट कर दी थी, देखिए PTCL ही वो चार्जी है, फुली अनलॉक है, बॉक्स पैक, हर नेटवर्क की सिम आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको टेनर की सिम डाल के थोड़ा बहुत आइडिया दूंगा। बॉक्स में आपको क्या क्या मिलता है ये देख लें, एक चार्जर है और डाटा केबल है। PTCL की ओरिजिनल डिवाइस है जो चार्जी, इसका मुकम्मल जो सॉफ्टवेयर है उसका जो वेब यूआई है वो भी चेंज किया गया है, वो भी आपको डिटेल में बताता हूँ आगे जाके, और इसकी प्राइस वगैरह भी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे ऐसे इसको सिम डालनी है, माइक्रो सिम, जिस तरह PTCL चार्जी वाली सिम आती है वही इसमें अब मैं अभी टेनर की डाल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा उल्टी है, एक ठीक है ब्रदर, ये मैंने सिम इंसर्ट कर दी है। और हमारे चैनल पे कोई भी प्रोडक्ट है ना तो उसकी जो एडवांस पेमेंट होती है, ठीक है, ये मैंने ऑन कर दिया सिम, सिम डाल के डिवाइस को मैंने ऑन कर दिया, डाटा केबल लगा। ठीक है जी, सिस्टम पे चलते हैं। यहाँ पर ये देखें ये सेटअप आ गया है इसका, अच्छा जी सॉफ्टवेयर कर लेते हैं। ठीक है बता, सिम टाइन आर की लगी है, रेड लाइट नहीं आ रही बिल्कुल, ये ब्लू लाइट आ रही है, ये देखिए PTCL वो चार्जिंग के अंदर टाइन आर की सिम लगाई है, ब्लू लाइट ऑन हो गई है, और यहाँ पे इसका भी ये सॉफ्टवेयर है सेटअप ZTE का। ठीक है, अच्छा PTCL चार्जिंग में जो होता है कि उसमें ये इशू होता है कि उसका पासवर्ड बड़ा लंबा होता है पीछे एडमिन का जो वेब पेज का, इसमें पासवर्ड भी हमने शॉर्ट रखा है, इस दफ़ा एडमिन ही लगेगा जो बाकी डिवाइसेस के अंदर आता है। तो जो IP है ना वो भी चेंज है, 192.168.0.1, और यहाँ पर हम इसको शो करवा देता हूँ मैं आपको, यहाँ देखें एडमिन, अच्छा जी ऊपर देखें टेलीनार 4G, बैटरी चार्ज हो रही है, यहाँ पे 4G का ऑप्शन है, इसमें सिर्फ 4G का ही बैंड है क्योंकि 4G वो जो है ये इसको हमने ऑफिशियल ओरिजिनल फाइल से अनलॉक किया हुआ है, तो 4G के अंदर 3G का ऑप्शन आता ही नहीं है सिरे से। देखें यहाँ पे ये शोर है, ओरिजिनल IMEI इसका होता है उसी के ऊपर ही ये अनलॉक है। और ये मैं आपको स्पीड वगैरह थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ इसका, स्पीड टेस्ट करा के, यहाँ पर भी आपको टेलीनॉर ही शो होगा, ये देखिए नीचे टेलीनॉर, PTCL ब्रॉडबैंड का सर्वर यूज़ हो रहा है, ये इसकी स्पीड है जी, दे देखिए ये देखें ये अच्छा, इसमें मतलब की बात है ये एंटीना सपोर्टेड भी है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको एक्सटर्नल एंटीना वगैरह भी लगा के ऊपर छत के ऊपर, जिस तरह बाकी यू फोन ब्लेज उसका तो रेट काफ़ी है, अब बॉक्स पैक फुली एसेसरी के साथ मुकम्मल अनलॉक हो गई हर नेटवर्क, ये सिग्नल ड्रॉपिंग का कोई इशू नहीं है, हमारी जो डिवाइस है ओरिजिनल फाइल से अनलॉक की गई है, ZTE की फाइल जो होती है उससे। ये देखिए सिग्नल स्ट्रेंथ बिल्कुल ओके है, स्टेबल कनेक्टिविटी है, ये देखिए जी सारा कुछ ओके है इसका। अल्लाह हाफिज़।